ताज़ा खबरों के साथ मैं हूँ नादिया खान। अब देख रहे हैं पाकिस्तान हेडलाइन न्यूज़। बैन अलग्वामी सतह पर पाकिस्तान की मुख्तलिफ पॉलिसियों की तारीफ की गई। मुल्क का आलमी सतह पर मकाम बेहतर हुआ। अवाम को आलमी वबा से महफूज रखने के लिए हुकूमती इकदाम का जायजा। पाक फौज के कामयाब अमलियाती इकदाम, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुस्बत कदम। मुल्क में फनून और सकाफती कारोबार के फरोग। मुल्क की फिन फनून का आलमी सतह पर पहचान। तालीमी इदारों में तरक्की। तलबा के लिए नए तालीमी मौके की पेशगोई। 97 अवामी सर्विसेज की बेहतरी। अवाम की खिदमत के लिए हुकूमती इकदाम। पाकिस्तान में बैन अलग्वामी सतह पर सरमायाकारी के मौके। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए मंसूबे। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो सबसे पहले हम अपना म्यूजिक जनरेट कर लेंगे जिसके ऊपर हमें कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ सके। तो यूट्यूब लाइब्रेरी में जाएंगे, यानी यूट्यूब स्टूडियो में ऑडियो लाइब्रेरी के अंदर जाके हम यहाँ पे न्यूज़ लिख देंगे और न्यूज़ से रिलेटेड म्यूजिक आ जाएंगे, उनको हम कर लेंगे डाउनलोड। उसके बाद सबसे पहले हमने अपना न्यूज़ एंकर या न्यूज़ कास्टर विद स्टूडियो इमेज में जनरेट करना है, जिसको बाद में हम बुलवा सकते हैं। तो उसके लिए www.bing.com/new में चले जाएंगे। इन सब के लिंक मैं नीचे दे दूंगा। यहाँ पे आपने लिख देना ड्रॉ इमेज ऑफ पाकिस्तानी लेडी न्यूज़ एंकर या कास्टर। मेल आपको करेक्टर चाहिए या कोई ख़ास कपड़ों में चाहिए तो आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, स्टूडियो कैसा हो, किस टाइप का स्टूडियो हो, लेकिन मैंने सिंपल ये लिख दिया। अब ये कुछ ही देर में मुझे 4 इमेजेस जनरेट करके दे देगा, जिसमें से मैं कोई भी यूज़ कर सकता हूँ। ये भी अनलिमिटेड फ्री है, आपको ना पसंद आए आप और जनरेट कर सकते हैं। इमेज आपको ऐसी नहीं चाहिए जिसके अंदर हाथ उठे हुए हों या फेस कैमरे की तरफ ना हो, क्योंकि वो पूरी न्यूज़ में हाथ उठे हुए अजीब लगेंगे। बहरहाल मैं इनको सेव कर लेता हूँ, लेकिन मैं और जनरेट करूँगा जिसका जो फेस है वो कैमरा फेसिंग हो और हाथ डेस्क के ऊपर हो। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये परफेक्ट इमेज है क्योंकि इसमें ये फेस कैमरे की तरफ है और बिल्कुल उसी पोजीशन में ये बैठी हुई है जैसे कि न्यूज़ एंकर होता है। तो मैं मज़ीद यहाँ से जनरेट कर लूँगा ताकि बाद में मुझे दोबारा से यहाँ पर ना आना पड़े, क्योंकि फ्री में है तो हम अनलिमिटेड यहाँ जनरेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि ये 1x1 साइज़ में है, जबकि यूट्यूब वीडियो का साइज़ होता है 16.9। तो उसका हल ये है कि हम जनरेटिव फिल यूज़ करेंगे उसको 16.9 करने के लिए। तो एडोबी फायरफ्ले ये ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ। एडोबी फायरफ्ले में आएंगे, फ्री में साइन इन कर लेंगे, ये भी फ्री है। यहाँ पे हम गेट फायरफ्ले फ्री में जाएंगे। उसके बाद ये जो सेकंड ऑप्शन है सेंटर में जनरेटिव फिल, इसके अंदर जाके अपनी इमेज को अपलोड कर देंगे। लेकिन इमेज को आपने 1x1 साइज़ में अपलोड नहीं करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जाएंगे कैनवा में, वहाँ पर हम ब्लैंक यूट्यूब साइज़ का एक कैनवास ले लेंगे ब्लैंक। उसके सेंटर में हमने उस इमेज को रख देना है जिसको हम जनरेटिव फिल करने जा रहे हैं, यानी कि उसके राइट लेफ्ट पे जो जगह नहीं है वो जगह भी आ जाएगी। ये अपने आइडिया से एआई ले आएगा, यानी स्टूडियो कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने इमेज अगर मैं लेना चाह रहा हूँ तो मैंने इसको बड़ा किया और इसको मैं सेंटर में रख दूँगा। अब राइट और लेफ्ट साइड पर कुछ भी नहीं है, लेकिन एआई इस स्टूडियो को कम्प्लीट कर देगा जनरेटिव फिल से एडोबी फायरफ्ले के ज़रिए। तो मैं अपलोड इमेज में जाऊँगा, यहाँ से जो कैनवा से मैंने एडिट किया उसको मैं अपलोड कर दूंगा। अब आपको जो वाइट जगह नज़र आ रही है इसको आपने रिमूव करना है, यानी रिमूव इसलिए करना है कि यहाँ पे जो भी चीज़ हम रिमूव करेंगे उसके बदले हम प्रॉम्प्ट लिख के उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ये स्टूडियो की ही साइज़ को बढ़ा दें, आप कुछ और भी ला सकते हैं, यहाँ पर गाड़ी कार कोई भी ऑब्जेक्ट भी लाया जा सकता है, लेकिन हमने स्टूडियो को कम्प्लीट करना है। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दूँगा, कोई भी जगह बचनी नहीं चाहिए, यानी कोई भी स्पॉट हो वाइट सा उसको आपने छोड़ना नहीं है। थोड़ा आप ज़्यादा भी कर देंगे तो कोई इशू नहीं है, ये खुद ब खुद इसको फिल कर देगा। अब हमने डिस्क्राइब करना कि हमें क्या चाहिए। तो मुझे न्यूज़ रूम चाहिए, ऑलरेडी इमेज स्कैन कर चुका है, एआई को पता है कि हम क्या चाह रहे हैं। तो ये हमें वेरिएशन भी दे देगा कुछ ही सेकेंड्स के अंदर, तो हम मज़ीद वेरिएशन भी ले सकते हैं। तो ये देखें अभी कुछ देर में इसने हमें स्टूडियो कम्प्लीट करके दे देना है, और ये देखें इसने खुद गैस करके इसको पेंट करके या जनरेट करके किसी भी तरीके से हमारी इमेज को कंप्लीट कर दिया है। 3 वेरिएशन है, नहीं पसंद आएगा तो मोर में जाके और ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा, कंटिन्यू में जाएंगे। अब तीसरा हमारा स्टेप है, आपने देखा होगा कि न्यूज़ के दौरान कुछ क्लिप्स आ रहे थे जो कि कुछ लोग चल रहे थे इसी तरह से, तो आप पिक्सा में जाएंगे और वहाँ पर फ्री में फुटेज को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियोज़ के ऑप्शन में जाके मैंने ऊपर पाकिस्तान लिखा तो पाकिस्तान से रिलेटेड काफ़ी क्लिप्स आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आपने अपना माइंड यूज़ करना है, न्यूज़ जिस बारे में भी हो उसी तरह का क्लिप यूज़ कर सकते हैं, या यूट्यूब से क्रिएटिव कॉमन का भी ले सकते हैं, लेकिन किसी और का क्लिप आप यूज़ नहीं कर सकते।
तो मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। 720 पिक्सल में मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। अब हमने टेक्स्ट टू स्पीच क्रिएट करना, तो हमने जो भी न्यूज़ बनानी होगी उसको पहले लिख लेंगे नोट पैड या किसी भी जगह पे। मैं writeurdu.com पे लिखता हूँ, मैं आपको इसका भी लिंक दे दूँगा, क्योंकि कीबोर्ड से आप इंग्लिश में ही लिखते हैं तो ये उर्दू में खुद ब खुद इसको कन्वर्ट कर देता है। तो जो भी न्यूज़ होगी, न्यूज़ आपने कहाँ से लेनी है, आप न्यूज़ देखते रहते हैं उसी न्यूज़ को आप अपनी ज़बान में लिख सकते हैं, या BBC, CNN या किसी भी जगह से अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो अब हमने v.io पे आ जाना है, यहाँ से आप टेक्स्ट टू स्पीच जनरेट कर सकते हैं फ्री में। तो यहाँ आप लॉगिन करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे मीडिया में जाने के बाद टेक्स्ट टू स्पीच में जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फ्री होने की वजह से लिमिटेशन होती है, एक तो आप फ्री यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद आप बोल रहे हैं अनलिमिटेड हो तो ऐसा नहीं हो सकता है। 250 वर्ड एक टाइम में, यानी आप अगर आपके 1000 वर्ड है तो आप 4 दफ़ा आपको ये काम करना पड़ेगा। तो मैंने जो एक्स्ट्रा वर्ड्स है वो डिलीट कर दिए, मैं यहाँ पे उर्दू में ही पेस्ट करूँगा। अगर मुझे उर्दू बुलवानी है, हिंदी बुलवानी है तो हिंदी में पेस्ट करूँगा, इंग्लिश बुलवानी है तो इंग्लिश में। लैंग्वेज में जाके मैं यहाँ पे उर्दू ले लूँगा, उर्दू लिखूँगा, उर्दू आ जाएगा, उर्दू पाकिस्तान ले लेंगे। हिंदी में करना हो तो हिंदी लिख दीजिएगा। नीचे से करेक्टर ले लेंगे जो कि मैंने उज़मा के नाम से ले लिया, इसको कर लेंगे जनरेट। जनरेट के करने के बाद ये हमारी देखें ऑडियो रेडी हो चुकी है, इसको सुन के देख लेते हैं। ताज़ा खबरों के साथ मैं हूँ नादिया खान, आप देख रहे हैं पाकिस्तान हेडलाइन न्यूज़। अगर आपने लिखने में गलती की होगी तो ये बोलने में भी गलती करेगा। तो एक्सपोर्ट वीडियो पर जाएंगे, लॉगिन अगर आपने नहीं किया होगा तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, गूगल से फ्री है ये। तो यहाँ से जैसे ही अपलोड होगा एरो पे क्लिक करके MP3 में इसको हम कर लेंगे डाउनलोड, और जितनी भी हमारी बाकी न्यूज़ होगी उसको भी हम 250 वर्ड करके जनरेट कर लेंगे। अब हमारा स्टेप है कि हमने अपनी इमेज को बुलवाना कैसे है, यानी हमारा अवतार बोलेगा कैसे। तो आर्ट फ्लो के नाम से ये वेबसाइट है, इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल जो है मैं एंड में एंड स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन पर लगा दूंगा, अगर आपको ना समझ में आप देख लीजिएगा, वैसे तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। वीडियो स्टूडियो में जाएंगे, फ्री आपको ट्रायल मिलते हैं, और आपको मज़ीद फ्री इसमें क्वाइन चाहिए तो उसका भी तरीका मैंने वीडियो में बताया हुआ है जो ट्यूटोरियल है। तो क्रिएट वीडियो के अंदर चले जाएंगे डायरेक्ट, क्रिएट वीडियो में जाके जो हमने जनरेटिव फिल से इमेज बनाई थी न्यूज़ कास्टर की स्टूडियो की, उसको हमने कर देनी है अपलोड। अपलोड में जाएंगे, ये देखें मैं ऑलरेडी इसको कर चुका हूँ, नहीं की तो ब्राउज में जाके इसको अपलोड कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये फिट टू स्क्रीन हो जाएगी और ये इसका फेस डिटेक्ट कर लेगी। अगर 2-3 फेस डिटेक्ट करे जो सही फेस होगा उस पर आपने क्लिक करना, वो ब्लू हो जाएगा। इसको अगर आपने ब्लू नहीं किया इस जगह को माइक को तो ये बोलेगा नहीं। आप डायलॉग में जाके ब्राउज में जाएंगे, ब्राउज में जाके जो भी हमारी ऑडियो होगी उसको आपने अपलोड कर देना है। एक वक्त में 30 सेकंड की ऑडियो यहाँ पे अपलोड हो सकती है, क्योंकि ये फ्री आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे जितने भी आपके पास कॉइन हो आपको 30 सेकंड में करना है। एक मिनट होगा तो 3 दफ़ा आना पड़ेगा। फ्री में लिमिटेशन होती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो आप परचेज़ कर लें। एनिमेशन में जाके ये इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लूँगा इफ़ेक्ट्स, मैं नो मूवमेंट कर दूँगा और आगे जाके इसको कर दूंगा एक्सपोर्ट। देखिए मेरे पास 238 कॉइन पड़े हुए फ्री में, मैंने इसको परचेज नहीं किया आज तक। तो ये देखें मैं इसका टाइटल दे दूंगा कि क्या नाम हो, जो मर्जी नाम रख दें ताकि आपको पता हो कि ये कौन सी वीडियो है, और ये एक्सपोर्ट वीडियो कर देंगे। वीडियो हो जाएगी एक्सपोर्ट, यहाँ पे देखेंगे एक्सपोर्ट हो रही है, तो ये आप इसको प्ले करके देख सकते हैं। एक्सपोर्ट होने के बाद ये इस तरह से आ जाएगी। ताज़ा खबरों के साथ मैं हूँ नादिया खान, आप देख रहे हैं पाकिस्तान हेडलाइन न्यूज़। तो नीचे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी डायरेक्ट आपके पीसी के अंदर। तो अब जो स्टेप है हमारा, नेक्स्ट स्टेप है, हमने इसको वीडियो एडिटर में जाके, कोई भी आपका वीडियो एडिटर है, वीडियो एडिटिंग तो आपको आती होगी लेकिन मैं बस आपको गाइड कर रहा हूँ। आपने सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड कर देनी है, जो जो चीज़ें जो जो ऑब्जेक्ट आप डालना चाह रहे हैं। सबसे पहले हमने वीडियो को नीचे रख लेना है जो हमने आर्ट फ्लो से जनरेट की थी। खबरों के साथ मैं हूँ नादिया खान। उसके बाद यूट्यूब से जो म्यूजिक लिया था उसका हम नीचे रख देंगे, उसका वॉल्यूम हम कम कर देंगे क्योंकि हमारी जो एंकर है उसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, म्यूजिक का कम होना चाहिए। अब मैंने इंट्रो कहाँ से लिया था, पिक्सअप वे पे ही जाके मैंने न्यूज़ इंट्रो लिख दिया था। तो ये देखेंगे इस तरह के इंट्रोज आ रहे हैं जो स्टार्ट में आप लगा सकते हैं न्यूज़ के लिए, कैनवा से भी आपको मिल सकते हैं। और ये देखें न्यूज़ फ्लैश मैंने लिया था, आप खुद बना भी सकते हैं, कैनवा पे जाके ले भी सकते हैं। इसी तरह जो लोगो है न्यूज़ का वो भी कैनवा से मैंने लिया था, कैनवा पे आप लोगो लिखेंगे उसको एनिमेशन दे के उसका नाम चेंज कर सकते हैं, एनिमेशन दे सकते हैं, और मज़ीद चीज़ें डाली जा सकती हैं। आपने अपना माइंड यूज़ करना है, मेन काम मैंने आपको बता दिया। तो इसको मैंने कर लिया डाउनलोड, ये भी बिल्कुल फ्री में, इसके ऊपर कॉपीराइट नहीं आएगा, इसको मैं स्टार्ट में लगा दूंगा। इसी तरह जो भी मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स होंगे, जैसे ये देखें इंट्रो आ गया, अगर कोई आपने आउट्रो बनाना है या मज़ीद आपके कोई क्लिप्स हैं। अब ये देखें ये उर्दू में जो नीचे लिखा हुआ रहा था पट्टी के ऊपर, तो ये मैंने PNG से बना के इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लिया था, यानी ग्रीन स्क्रीन से इसको मैंने नीचे रख दिया।
इसके ऊपर मैं उर्दू में टेक्स्ट जो है वो लिख सकता हूँ। और ये कैनवा से मैंने बनाया था, इसको भी मैंने यहाँ पे नीचे लेके आ जाऊँगा। और आप किसी भी मोबाइल ऐप के ज़रिए टेक्स्ट लिख सकते हैं किसी भी ग्रीन स्क्रीन पे, जैसे ये मैंने लिखा था। इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे, यानी ये ग्रीन के ऊपर जो आपने लिखा हुआ या रेड के ऊपर, तो ये देखें ये रिमूव होने के बाद ये सिर्फ टेक्स्ट रह जाएगा। ये रिमूव डॉट बी जी पे जाके आप इसको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको इनपुट कर देंगे और इसको उठा के यहाँ ले आएंगे और अपने एडिटर में ये देखेंगे ऊपर आ गया। इसको पकड़ के मैं इस पट्टी के ऊपर ले आऊँगा जहाँ पे आप देखते हैं न्यूज़ के नीचे ये लिखा हुआ आ रहा होता है, न्यूज़ आ रही होती है। अब जितनी भी आपने बनानी है वो आप लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से ये आएगी, इसको एनिमेशन दे सकते हैं। जैसे एनिमेशन में जाएंगे, क्योंकि एडिटिंग जो है वो एक जो है पूरा कोर्स पूरा ट्यूटोरियल है, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एनिमेशन कर सकते हैं। तो एनिमेशन में जाके आप कोई भी एनिमेशन देंगे तो ये आपकी प्रॉपर जो है वो एक न्यूज़ की हेडलाइन बन जाएगी या पूरी न्यूज़ बन जाएगी। इस तरीके से आप अपना पूरा चैनल बना सकते हैं न्यूज़ के ऊपर। कंटेंट आपको बेबहा मिलेगा, सबसे ज़्यादा देखा भी न्यूज़ चैनल ही जाता है। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से अपना चैनल सेटअप करेंगे, वीडियोज़ बनाएंगे, तो बहुत जल्दी आपका चैनल वायरल हो जाएगा और आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। कल फिर मिलते हैं एक नए AI टूल के साथ। AI मनी मेकर चैनल को सब्सक्राइब करना।